नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमिनेस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हवा में फैल रहा वायरस, ग्रामीण में अब 1700 से अधिक बेड, सफाई कर्मी ने लगाई फांसी। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। हवा में फैल रहा वायरस, अचानक संक्रमितों की संख्या बढ़ने से संभावना व्यक्त की जा रही है कि कहीं वायरस हवा में तो नहीं फैल रहा है। यदि ऐसा हुआ तो फिर स्थिति और भी भयंकर हो जाएंगी। हालांकि इस बारे में अब तक कोई पुख्ता रिसर्च सामने नहीं आई है, लेकिन अध्ययनकर्ता इनकार भी नहीं कर सके है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस पर बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हुई है। उसकी तीव्रता को देखकर ही माना जा रहा है कि वायरस अपना नेचर बदल रहा है। वैसे भी वायरस कुछ दिनों बाद अपना नेचर बदलता है। यही वजह है कि संपर्क में नहीं आने वाले भी पॉजिटिव हो रहे हैं। तो वही दूसरी ओर ग्रामीण में अब 1700 से अधिक बेड। जिले में ग्रामीण भागों में पालक मंत्री नितिन राउत के निर्देश पर कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाई गई है। सीईओ योगेश कुंभेजकर व जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे को राउत ने उक्त निर्देश दिए थे। अब जिले में कुल 1790 बेड की व्यवस्था की जानकारी दी गई है। बताया गया कि पिछले वर्ष कुल 1355 बेड और अब 436 बेड बढ़ा दिया गया है। ग्रामीण भाग के कुल 31 अस्पतालों में 203 सादे बेड और 1244 ऑक्सीजन बेड और 78 वेंटिलेटर उपलब्ध है। कोविड सेंटर में 513 बेड है। जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र पातुरकर व सीईओ कुंभेजकर ने इस संदर्भ में बैठक लेकर बेड का नियोजन किया। कोविड मरीजों के लगभग 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन लेकर ऑक्सीजन उपलब्ध करने के लिए उत्पादकों से चर्चा भी अंतिम चरण में है। जल्द ही और बेड व अन्य सुविधा बढ़ाने के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। तो वही तीसरी ओर सफाई कर्मी ने लगाई फांसी। लकड़गंज थाना क्षेत्र में एक सफाई कर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक सुदर्शन चौक हरिहर मंदिर के पास रहने वाला कुंदन दीपक बैरिसाल बताया गया। कुंदन में अस्पताल में बतौर सफाई कर्मी काम करता था। 3 महीने पहले ही उसे बेटी हुई। पत्नी मायके में है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि कुंदन को शराब की लत थी। कई दिनों से वह काम पर भी नहीं जा रहा था। शुक्रवार की शाम कुंदन की मां किसी काम से बाहर गई थी। इसी बीच उसने स्त्री के वायर को छत की बल्ली से बांधकर फांसी लगा ली। 7:30 बजे के दौरान माँ घर लौटी तो कुंदन फंदे पर लटका दिखाई दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। एपीआई विलास पाटिल अपने दल के साथ मौके पर पहुंचे, पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।